तो उन्होंने उनके तालुकात में जाके कैसे डेवलपमेंट करना है, उनके पुलिस स्टेशन में जाके कैसे डेवलपमेंट करना है, उस पर ज़्यादा हमारे बातें करते हैं। ज़्यादा करके मेरे पास सब्जेक्ट वीकर सेक्शन जो बोलते हैं, वंचित घटक, अपने नाम सुनते रहेंगे आप पूरे महाराष्ट्र में, वंचित घटक उस पर हम 8 साल से, पिछले 8 साल से काम कर रहे थे। उसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी मैंने पूरे 35 जिलों में जाके अभी 36 जिले हो चुके हैं, पालघर एक उसमें भी एडिशनल हो चुका है। तो उसमें जाके हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए थे, कम्युनिटी में गए थे, NGOs के पास गए थे, अलग अलग नीड्स हमारे सामने आते थे, उसके ऊपर पॉलिसी कैसे डिजाइन हो सकती है, उसके बाद है हमारे उतनी 3 दिन में। तो उसके लिए मेरे पास अभी वर्क बहुत कम है, अभी आधे घंटे में मैं पूरा भी इसमें बात नहीं कर पाऊँगा। तो जितना मुझे पॉइंट्स देना है उतने पॉइंट्स में हम बात करेंगे आगे। मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है। कोई MBA करता है, कोई जर्नलिज्म में जाता है, कोई इसमें जाता है। तो मैंने उसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब अभी एहसान सर ने भी लिया था, बहुत सारे अच्छे सुबह से लेक्चर भी हो चुके हैं और आपका इंटरेक्शन उसमें हो चुका है। खान साहब थे, सलीमुल्ला साहब थे, उसके बाद में एहसान सर थे, अभी RTI का बहुत अच्छा लेक्चर इसमें हो चुका है। तो बहुत सारी जानकारी आपको आ चुकी है उसमें। कम्युनिटी डेवलपमेंट में मैं उसके बाद उसको फंडिंग ढूंढना चाहूँगा कि जो सोर्सिंग हमारी होती है। हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है NGO फोरम की तरफ से, माइनॉरिटी NGO फोरम की तरफ से। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs और NGOs सर ने उसमें बहुत सारे, अभी आपको खान साहब ने भी इन्फॉर्मेशन दिए कि आगे कैसे उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ETC होना चाहिए, FCRA होना चाहिए। इसके बारे में मैं उनके लेक्चर में देर से आया था, मैं सुन नहीं पाया, उनको सुनना था। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट उसमें क्लियर होना चाहिए। NGO फोरम की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है हमारा, जो मेन टारगेट है, हम सब NGO की तरफ से आए हुए NGO के प्रतिनिधि हमें इधर जियो का अपना काम करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं कहीं पे पहुंच नहीं पाता है, कहीं पे पहुंच पाता है, जहाँ पहुंच नहीं पाता वहाँ NGO खड़ी होती है। इसलिए NGO का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब क्या है, हम हमारी कम्युनिटी देखते हैं, हमारे दिमाग में हमारी कम्युनिटी आ जाती है, ऐसे हम सोचते हैं। तो कम्युनिटी मतलब क्या कि 0 से लेके 6 उम्र तक, 6 से लेके 12 उम्र तक, 12 से लेके 18 उम्र तक, 18 से लेके 25 उम्र तक, 25 से लेके 35 उम्र तक, उसके बाद में 35 से लेके 50 उम्र तक, 50 से लेके 75 उम्र तक। इतनी कम्युनिटी में रहते हैं लोग, और कौन रहता कम्युनिटी में, रहता क्या कोई और? कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब ये लोगों का डेवलपमेंट, समझ में आया? तो आप अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग जगह के पहलवान हो। मैं एक देहात से आ चुका, मैं पहलवान की भाषा में हमेशा बोलते रहता हूँ कि हम अलग अलग जगह पे एक्सपर्ट हैं, मतलब पहलवान है। कोई RTI में पहलवान है, कोई प्राइमरी एजुकेशन में पहलवान है, कोई माध्यमिक में पहलवान है, कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट में, पूरे इसमें पहलवान है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पहलवान है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पहलवान है, कोई वर्कआउट में पहलवान है। ऐसे सब पहलवान को यहाँ बुला गया है। तो हमारे महाराष्ट्र में अभी तक रोड मैप नहीं बना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो नहीं बना है। अभी हमने बनाने का प्रयास किया था, मैं जब वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे था उस जरिए हमने बनाने का प्रयास किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में 11-11 की टीम होनी चाहिए। मतलब मेरे स्टेट लेवल पर टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम, उसके बाद में तालुका लेवल पे टीम, अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी एजुकेशन से लेके 75 तक जो अभी गढ़ है, उम्र की गढ़ है, वहाँ तक वो हमारी टीम होना चाहिए। हम बात कर रहे थे उम्र गढ़ के ऊपर। तो अभी फंडिंग सोर्स या जो योजना बनते हैं उसी के ऊपर बनते हैं। 0 से 6 तक उम्र गढ़ होता है, उसके लिए कौन सी योजना चाहिए होती, उसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए क्या? जो 0 से 6 की उम्र के बच्चे हैं उनको क्या चाहिए? आईसीडीएस पता है ना, आईसीडीएस पता है ना, एक अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खेलना कूदने का कार्यक्रम उसमें चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है आईसीडीएस की, उसके साथ साथ सीएसआर की भी स्कीम होती है और सेल्फ फंडिंग। 4 प्रकार के इसमें फंडिंग जोड़ सकते हैं। एक तो हमारा खुद का जकात होता है, वैसे अपने गरीब बच्चों के लिए हम खुद का जकात भी इसमें सोर्स खड़ा कर सकते हैं गरीब बच्चों के लिए। दूसरा सीएसआर फंड भी है। तीसरा हमारा गवर्नमेंट खुद का, मतलब हम जो टैक्स भरते हो हमारा एक फंड होता है, वो कुछ गवर्नमेंट का नहीं होता, वो हमारा ही फंड होता है क्योंकि हम नागरिक ही जाते हैं। ये संविधान करता है, संविधान का पहला ही कदम है, सभी ऑफिसर को पूछता था रवि इंडिया, संविधान का पहला कदम क्या है, 444 जो जितने कदम है बाद में हम देखेंगे। तो पहला कदम ये कहता है कि इंडिया दैट इज द भारत, इस देश को आप इंडिया बोल सकते हैं, इसको भारत बोल सकते हैं, ना इसको हिंदुस्तान बोल सकते हैं, ना इस्लाम खान बोल सकते हैं, ना सिख खान बोल सकते हैं, ना जैन खान बोल सकते हैं। तो संविधान का पहला कदम हमें क्या बताता है कि इंडिया दैट इज द भारत। तो ये सब जितने भी योजना बने हुए हैं हम सभी के लिए। अल्पसंख्यक जो बना हुआ है वो एक अधिनियम के द्वारा बना हुआ है, 1992 के द्वारा ये अल्पसंख्यक बना गया है, जिसकी लोकसंख्या कम है उसके आधारित पे या जिसकी भाषा कम है उसके आधारित पे ये महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक घोषित किए गए। जैसे महाराष्ट्र में अभी 6 हो गए, पूरे भारत में 6 जो धर्म है उसका अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ। तो मैं अपने योजना पे आता हूँ वापस से। 0 से 6 की उम्र के लिए क्या चाहिए, बस एक आईसीडीएस के प्रोग्राम, एक आंगनबाड़ी, एक बालवाड़ी, उसके बाद में छोटा सा नर्सरी ग्रुप, इतना ही उसको डेवलपमेंट करना होता है। उसके लिए जहाँ से भी फंडिंग जोड़ता है उसको जोड़ने की हमारी कोशिश होती है, वो योजना से मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। उसके बाद में 6 से 12 का अलग अलग होता है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए यूपीसी चाहिए, क्या बेसिक यूपीसी अभी पढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते रहते हैं कि यूपीसी देना बहुत जरूरी है, 6 से 12 तक क्या हम उसको मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए 6 से 12 के लिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। प्राइमरी एजुकेशन में जो भी आपको फंडिंग्स है, माइनॉरिटीज के भी फंडिंग्स है, CSR के भी फंडिंग्स है, और फंडिंग में हम उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद 12 से 18 का जो गट है तो उसके लिए क्या होता है, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए हम अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम थिंग CSR, उसके बाद में गवर्नमेंट फंडिंग, उसके बाद में ओन फंडिंग, हमारा जो भी ओन फंडिंग होता है तो वो फंडिंग हम जोड़ने की उसमें कोशिश कर सकते हैं। ये कैसे जोड़ना है उसका हम आगे उसमें घोषणा लेने वाला। उसके बाद में हम 18 के बाद का जो अभी देखने वाले थे उम्र का ग्रुप होता है, 18 से 25 के लिए क्या चाहिए होता है इसमें, प्राइमरी में जो भी स्किल है, यूपीसी है, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ये बहुत जरूरी है। ये 3 चीज़ें इनके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा भी फोकस कर रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में। पहले से मैं छोटे बच्चों के लेके कुछ मॉडल्स बनाने की कोशिश किया था, वो डेवलपमेंट भी कर रहा था। अभी मैं 18 से 25 की उम्र में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसके ऊपर मेरे खुद के भी पहले UPC MPC एकेडमी थी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ भी गए थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी हमने 10 सीट हर जगह रखे हुए थे, जैसे आप आज हाउस में देख सकते हैं 10 सीट वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हमने रखे हुए थे, यशोदा में 10 सीट रखे हुए माइनॉरिटी के लिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे UPSC के लिए पढ़ाई के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए हमने रिजर्व रखा हुआ है। उसके बाद में कोल्हापुर यूनिवर्सिटी हो गई, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया। अभी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को भी एप्लीकेशन देना शुरू है माइनॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ से। तो हम वहाँ पे ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हुए जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, हमारे मुस्लिम ऑफिसर जो थे 20,000 के लगभग है, उतने ऑफिसर को लेकर हम वहाँ पे बैठते थे, इंजर्स को लेकर वहाँ पे बैठते थे, जो भी रेट से वो लाने की हम कोशिश करते थे। तो उस जरिया अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। 18 से 25 के जो नौजवान यूथ्स है इनके लिए, जिसको अभी UPSC में जाना चाह रहे हैं उसको UPSC के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने कोई इंफ्रा खड़ा नहीं किया उसके लिए, बस फैसिलिटेट का काम करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आंसर मेरे पास आया था जब भी, तो यशोदा में उसी वक्त उसका इंट्रांस में नंबर नहीं लगा था, इंट्रांस में वो फेल हो गया था, उसी वक्त उसने यूनिट में एडमिशन लिया था, उसी साल वो IAS हो गया था। बस हम क्या करना है कि कोई मिलता है तो उसको फैसिलिटेट करने का काम करना है। आगे उनसे एडम अच्छे होंगे या कई जगह पर उसको पुश करना होगा। ये पुश भी हमने किया था, बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे जरिए हो सकता है। आप ये सब कर रहे हैं, मैं बोलते समय बोला कि आपको आप सब पहलवान हो गए, अलग अलग सेक्टर के पहलवान हो। बस इसको इकट्ठा लाना बहुत जरूरी है, रोड मैप करना बहुत जरूरी है उसको पूरे महाराष्ट्र में। उसके बाद है आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे भी बहुत सारा फोकस करना है। मैं अभी हर 35 जिला में, अभी मैं औरंगाबाद, उस्मानाबाद, सोलापुर से आया। पिछले वीक में मैं वही पे था, अलग अलग जिले में हमारे, जैसे अभी मैंने इधर भी देखा येवला नासिक में कि वहाँ पर हमारे पैठनी बनाने वाले बहुत लेडीज है, पैठनी बनाते ना, तो पैठनी बनाने वाले बहुत सारे हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, लेडीज इंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनको लेकर हमने गवर्नमेंट सेक्टर से भी क्लस्टर डेवलपमेंट वहाँ पे किया हुआ है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद में उस्मानाबाद भूम में एक गारमेंट क्लस्टर होने जा रहा है, जो हमारी महिला थी गारमेंट अच्छा बनाती है। जैसे कि आप एक दिन मॉल में गए तो वहाँ पर वैसे आपको ड्रेस नहीं मिलेगा, ऐसा ड्रेस हमारे गाँव की महिला बनाती है। तो उसको पुशअप करने के लिए बहुत सारे स्कीम होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम होते हैं। उसके लिए भी हमने नेशनल इंस्टीट्यूट में उनका फैशन डिजाइन का कोर्स किया करवाया। अब हमें क्या करना है, फैसिलिटेट भी किया। हमारे इंस्टीट्यूट में अच्छे होने चाहिए, जैसे भी सलीमुल्ला साहब हो गए, खान साहब हो गए, इन्होंने एक अच्छा यूनिवर्सिटी लेके एक स्किल यूनिवर्सिटी हमें औरंगाबाद में शुरू हो रही है, उनके लिए भी तालीम होनी चाहिए। और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम उन्होंने दिया है। अगर इसको इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमने जोड़ दिया, जैसे कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि मुंबई में एक अत्तर बनाने वाली बहुत अच्छी कम्युनिटी, ये छोटे छोटे पैमाने पर बनाते हैं। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा आपको कि जैसे अभी मेरे कुछ गांव के देहात के फार्मर्स हैं, वो दूध बनाते हैं, दूध से खवा बनाते हैं, खवा से वो पहले भट्टी भी करते थे। अभी हमको इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाना है, उसमें कुछ मशीनरी, उसके बाद में उसका मार्केटिंग लिंकेजेस, उसका बैकवर्ड लिंकेजेस में पूरा स्पिनिंग आता है, उसको वापस उसको किस तरह से हाइजीनिक करना है वो आता है। और फॉरवर्ड लिंकेजेस में उसकी मार्केटिंग आती है, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है, उसका अच्छा ब्रांडिंग आता है। यहाँ तक उसको लेके जाने की हमारी कोशिश है। अगर आप एक इंडस्ट्री डाल रहे हो, इंडस्ट्री में बस हवाई इमारत काम दिए या फिर एक कोई मशीनरी डाल दिए, तो इसके पैमाने पे इंडस्ट्री नहीं चलती है। उसके लिए दो रोड मैप होता है, एक बैकवर्ड लिंकेजेस उसके स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और एक फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो इसके लिए हमने अभी एक कोशिश की होगी, अभी घूम में भी गारमेंट क्लस्टर हम अभी खड़ा कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहुत सारे पैमाने पे उस पर डेवलपमेंट चल रहा है। उसके बाद में जैसे हल्दी बनाते हैं, हल्दी क्लस्टर हम उसका भी जोड़ रहे हैं, जगह जगह पे उसका स्किलिंग भी हो रहा है, स्किलिंग करके उसको इंटरप्रेन्योरशिप में लाया जा रहा है, उसका भी ब्रांडिंग करने का हमारे उसमें कोशिश चल रही है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंटरप्रेन्योर है, आप मुंबई में देख सकते हैं, आप थाने में देख सकते हैं, आप कल्याण में देख सकते हैं, आप पूरे महाराष्ट्र में देख सकते हैं। ये इंटरप्रेन्योर क्योंकि हमारे पास नौकरियाँ की जाने की वजह बहुत थी कि उसमें नौकरी में जाने गए हमारे यूथ। मेरा थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, मैं पूरे महाराष्ट्र में मराठी में बोलते रहता हूँ कंटिन्यूसली। मैं अभी एक लेक्चर लिखता है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत सारा ये होता था, थोड़ा मराठी में बोलते जय महाराष्ट्र मिक्स बोला। बचपन से मैं मराठी सेक्टर में पढ़ा हुआ था और ट्रेनिंग में मेरे मराठी मीडियम से हो गई है। अपन पाठ होतो की ते 18 ते 25 वयगट, त्याच्यामध्ये 3 सेक्टर आपल्याला जोडावं लागतील। एक तर स्किल डेव्हलपमेंट असेल, त्याच्यामुळे इंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट असेल, UPC असेल, त्याच्यानंतर त्याला पूर्णतः हबपर्यंत घेऊन जाण्याचं असेल, तर त्याच्यामध्ये 3 स्कीम आपल्याला खूप महत्त्वपूर्ण ठरतात। आता तुम्ही पाहिलं की मी प्रत्येक यूथपर्यंत पोहोचलो होतो, महाराष्ट्रातल्या युवकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला होता। त्याच्यामध्ये मला असं आढळलं की UPC सेंटर आम्ही स्वतः चालवायचो किंवा गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आम्ही काही ठिकाणी उभा पण केलं होतं। त्याच्यामध्ये येण्याचं प्रमाण खूप घटलं होतं, कारण त्याच्यामध्ये जे नॉलेज पाहिजे, म्हणजे स्किल पाहिजे UPCसाठी पण, ते त्या मुलांपर्यंत पोहोचत नाही आहे। आपल्याला वाटतं की आपण मॅथ्समध्ये पक्का आहे, इंग्लिशमध्ये पक्का आहे, मग तिकडे आर्ट्समध्ये तो कच्चा असतो. त्यानंतर तुम्हाला वाटलं की आम्ही आर्ट्समध्ये पक्का आहे तर इंग्लिश मराठी किंवा वेगळे ज्या सब्जेक्ट आहेत तिथं ते पक्का होण्याचं दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरलं, त्यामुळे तो यूथ त्याकडे वळत नाही. तर त्यासाठी जे ड्रॉपआउट स्टुडंट आहेत किंवा जे आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुरू केला होता. तो क्लस्टर डेव्हलपमेंटचाच एक पार्ट आहे, त्याच्याकडे आम्ही बघतोय. त्यानंतरचा जो गट आहे 25 ते 35 जो महिलांचा आहे, वरिष्ठ जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी आहे, त्यांच्यासाठी पण शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम आहेत. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ते काही योजना हाती घेता येतात किंवा जे ऑलरेडी योजना आहेत ते आपल्याला लागू करण्याचा प्रयत्न करता येतो. आता मी महत्त्वपूर्ण योजनांकडे जाणार आहोत आणि तो फंडिंग कसा सोर्स आपल्याला उपलब्ध करता येईल ते बघण्याचा प्रयत्न करूया. आता आपण पाहतोय की वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजना पण आहेत, आपल्याला माहिती पण आहे, त्यानंतर आपण तिथे पोहोचतो पण काही अडचणी येतात. त्या अडचणी अशा असतात की आपल्याकडे ते डॉक्युमेंटेशन असतं किंवा माहिती नसते, त्यानंतर ते घेण्यासाठी आम्हाला माहिती घ्यावी लागते किंवा त्या अधिकाऱ्याला ती माहिती नसते. असा पण एक पार्ट आहे. जेव्हा मी शासनातल्या अधिकाऱ्यांना तो प्रशिक्षण देण्याचा पार्ट पाहायचो तर त्या शासनातल्या अधिकाऱ्यांना ते वर्गवड काय आहे ते माहिती नसायचं, किंवा ही शैक्षणिक योजना आहे जसं शिक्षण अधिकारी असते तर शिक्षण अधिकाऱ्याला पण ती माहीत नसते. त्यासाठी आपल्या एन जी ओच्या माध्यमातून आपल्याला ते प्रयत्न करणं खूप महत्त्वाचं याच्यामध्ये रोल ठरतो आहे. आत्तापर्यंत आपण पाहिलं की आपले एखादी संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र पण नाही. जसं मी उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो, बार्टी नावाची संस्था पुण्यामध्ये आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण केंद्र. हे सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून शेड्यूल कास्ट कॅटेगरीसाठी चालतं आहे. तर आपल्या मायनॉरिटीसाठी असं एखादं संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्रात असावं की जेणेकरून युवकांना तिथं जाता येईल. जसं की तुम्ही तिथं संशोधन बघू शकता, जसं आपल्या फातिमा बेबी शेख आहे तर त्यांचं संशोधन त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे शासनाच्या मदतीने, त्यानंतर एक्सपर्टीजच्या मदतून तिथून हे सगळं डेव्हलपमेंट त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे. त्यानंतर मौलाना साहेब असतील जे आपले इतिहासकार झालेले आहेत त्यांचं पण संशोधन आत्तापर्यंत त्याच्यामध्ये झालेलं नव्हतं. असे संशोधन इन्स्टिट्यूट पण आपल्या असल्या पाहिजे. त्यानंतर प्रशिक्षण केंद्र यासाठी म्हणतो की ज्या एन जी ओज आहेत अजूनही आपला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर आपण बघता एक आपला आयुक्तालय पाहिजे. अल्पसंख्याक आयुक्तालय आपल्याकडे अजून नाही आहे, जसं समाज कल्याण आयुक्तालय आहे, आदिवासी आयुक्तालय आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणचं वेगवेगळ्या आयुक्तालय आहे. तसं जिल्हास्तरावर आपला एखादा अधिकारी पण नाही आहे की जेणेकरून या ज्या अडचणी येतात ते आपल्याकडे सगळ्यांकडे योजनांचं नॉलेज आहे पण जायचं कोणाकडं हा प्लॅटफॉर्म आपल्याला माहीत नसतो. त्यासाठी शासनातले अधिकारी आपल्याला माहीत नसतात. आत्तापर्यंत जे स्ट्रक्चर चाललेलं आहे मंत्रालयात फक्त एक अल्पसंख्याक विकास विभाग आहे, त्याच्यावर फुल टाईम तुम्ही बघितला असा IAS ऑफिसर अजून नियुक्त नाही आहे. एक ॲडिशनल चार्ज सेक्रेटरीकडे दिलेला आहे, त्यानंतर त्यांच्याकडे डेप्युटी सेक्रेटरी आहे, सहसचिव आहे, कक्ष अधिकारी आहे. आणि खालच्या स्तरावर तुम्ही जर गेला तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा अल्पसंख्याक समिती आहे. किती जणांना माहिती आहे, कितने जणांना पता आहे की जिल्हा अल्पसंख्याक समिती होती 1 2 3 4 5. तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ कि जिला अल्पसंख्याक समिति वहाँ पे है और उसका ऑफिसर है RDC साहब, निवासी उप जिला अधिकारी. उनके पास ऑलरेडी महसूल का बहुत सारा चार्ज है और अल्पसंख्याक का एक चार्ज वहाँ पे दिया गया है. जिला अल्पसंख्याक समिति के अध्यक्ष होते कलेक्टर साहब, उनके पास भी पूरा महसूल का पूरा चार्ज भी है और ये भी वो हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं. पर हमें अभी तक वो मालूम नहीं कि किसके पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमारी कौन है. तो उसके लिए जिला अल्पसंख्याक समिति होती है, 3 महीने में उसका एक मीटिंग लेने की कोशिश की जाती है और उसमें वैसे मेंबर है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं. तो इसलिए हमारे NGO का भी काम है कि वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ से पूरी मालूमात लेनी चाहिए जिला अल्पसंख्याक समिति से. उसके बाद तालुका स्तर पर तो हमारा कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है वो उसका काम करता हो. तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग काम हमारे अभी आ चुके हैं. अभी आप देख सकते हैं कि 4 जुलाई 2016 का ये GR है, शासन निर्णय है. इसके जरिए अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे चुके हैं. जैसे कि हमारे पास अभी कोई ऑफिसर नहीं है तो शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग ऐसा मराठी में उसका नाम है. उसके बाद में उच्च तंत्र शिक्षण विभाग, जिनके पास एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। उसके बाद में सार्वजनिक आरोग्य, कौशल्य विकास, नागरिक विकास, महिला बाल विकास, अल्पसंख्यक विकास, इनके पास अलग अलग तरीके के अलग अलग काम दिया हुआ है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और जो अभी एजुकेशन की स्कीम है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद में जो स्किल डेवलपमेंट का काम है तो स्किल डेवलपमेंट हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हायर टेक्निकल एजुकेशन के पास से वो हमारी योजना आती है, उसके तरफ से हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, ये स्कीम हमें ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ती है। उसमें बहुत सारे पैमाने पे हमें उसकी मालूमात लेनी चाहिए और वो फॉर्म फिलअप करना चाहिए। उसके बाद में मैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो स्कीम बता रहा था, तो हमारे पास DIC डिपार्टमेंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में DIC होता है, जिला उद्योग अधिकारी। उनके पास जाके आप PMGP की स्कीम है, माइनॉरिटी के लिए 33% उसमें रिजर्वेशन है, वहाँ पे आप जाके जिला उद्योग केंद्र से माहिती ले सकते हैं। उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया का है, उसके बाद में सब्सिडी सीड मनी योजना है, वहाँ पे भी माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा अपनी स्कीम है। क्लस्टर डेवलपमेंट उसके आगे वाली स्कीम है, जो आप छोटे छोटे उद्योजक हैं उनको लेके एक प्लेटफॉर्म पे लाना। जैसे कि आप 40 लोग एक जैसे व्यवसाय करते हैं, सपोज मैं कपड़े सिलाने वाला व्यवसाय करता हूँ, हम 40 लोग इकट्ठा आ गए, एसोसिएशन बना, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का 6 करोड़ तक उसको निधि है, उसमें 80% सब्सिडी है, 20% हमें बस वो एसोसिएशन में देना है जो हम छोटे छोटे व्यवसाय के। और उसके बाद में महिला कोष में तो 10% खुद का खर्च करना है, 90% आपको गवर्नमेंट अनुदान देने वाली है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे MSME है, MSME के लिए इसमें 15 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक आपको फंडिंग अवेलेबल होता है। उसमें भी माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा आपको एप्लीकेशन आज तक दे रही है। बस एक हमारा आपको मैं बता रहा था कि मालेगांव का क्लस्टर उतना ही डेवलपमेंट हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट का एक अभी हमारा माइनॉरिटी के लिए उस्मानाबाद में क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे भी आपको 10% आपको बस आपके खुद के लगवाना है, 90% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अनुदान मतलब सब्सिडी देती है। तो ये स्कीम बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, स्किलिंग की ट्रेनिंग मिलती है, ब्रांडिंग कैसा करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, पैकेजिंग कैसा करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, मार्केटिंग कैसा करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कैसे करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आपको लाया जाता है। तो ये भी आपके लिए योजना बहुत जरूरी है। जैसे आप मुंबई में काम करते हैं, थाने में काम करते हैं, तो आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले हैं मुस्लिम व्यवसाय के, उनका एक एसोसिएशन बना के आप भी एक क्लस्टर स्कीम में उसको डाल सकते हैं। उसके लिए DCR प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग है, उसके बाद DPR होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, और ये आप देने के बाद आपको ये पूरा फंडिंग अनुदान के स्वरूप में वहाँ पर मिलता है। तो ये छोटी सी स्कीमें मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसके लिए एक PPT होता है, बहुत सारे आपको मैं बुक्स भी उसके अवेलेबल कर दूँगा। जो GR की बुक्स है मेरे पास वो हमारे जाके सिकलगार साहब है उनके पास वो अवेलेबल करके दूँगा। और हमारा जो अभी तक नहीं हुआ, हमें इकट्ठा नहीं आता, पहली बार सबको हर स्कीम की जानकारी होती है। हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स है, हमारे NGOs है, हमारे मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, या पूरे माइनॉरिटीज़ के जैसे हमारे पूरे सिख बांधव है, जैन बांधव है, पारसी बांधव है, ऐसे जितने भी माइनॉरिटीज़ के ग्रुप हैं इसमें भी प्रोफेशनल है, NGOs है, ये अगर इकट्ठा आता है और एक रोड मैप तैयार होता है। हमारा रोड मैप जैसे कि अभी मैं कुछ लोगों का मैं यहाँ कहानी नहीं सुनाना चाहूँगा, कुछ कम्युनिटी की इनका एक रोड मैप होता है। वैसे हमारे कोई भी रोड मैप पूरे महाराष्ट्र में नहीं हो चुका है कि अभी तक हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे बजट में हुए कि ये हमने पहले देखा है वो नहीं देखा है। उतने बजट में होने के बाद उतने स्कीम हमारी पॉलिसी वैसे बनी है क्या, वो भी हमने देखने की कोशिश की है नहीं, कि पता नहीं अभी RTI सीखा है, RTI के द्वारा हम पता कर सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा खड़ा करके उसके द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद हमारे जो नीड्स है जैसे मेरे भिवंडी में अलग नीड्स हैं, कुछ जगह पे मेरे पुणे में मेरा एजुकेशन अच्छा है, मेरे कम्युनिटी का पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी का पुणे में एजुकेशन अच्छा है, तो वहाँ वो पॉलिसी कुर्सी देना चाहिए वो हमें अभी तक हमने तय नहीं किया है। गढ़चुले में मेरी पॉलिसी अलग रही या पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मेरे से स्कीम है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेगी, ऐसे हमने देखने की कोशिश ही नहीं की अभी तक। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पॉपुलेशन के हिसाब से जो फंडिंग होना चाहिए वो फंडिंग आया कि नहीं हमने देखने की कोशिश नहीं की, अगर आया तो वहाँ तक गया कि नहीं उसका इवेल्यूएशन करने के लिए हमने कोशिश नहीं की। जो पाइपलाइन में हमने डाला हुआ है वो हमने देखने की उसमें अभी तक कोशिश नहीं की हुई है। तो इस जरिए हमको ये देखना चाहिए कि ये स्कीम वहाँ जा रही है वो गाँव तक पहुँच रही है कि नहीं, गाँव से अगर गाँव में दिए गए तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को दिया है कि नहीं, ये देखने की हमने अभी तक कोशिश नहीं की है। तो ये हमें इकट्ठा के रोड मैप करना होगा, हमारा अगला काम वही होगा कि अगर कोई रोड मैप हमारा हो या ऐसे 11-11 की हमारी कमेटी हो, महाराष्ट्र के लिए 11 की कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एक 11 की कमेटी हो, तालुका लेवल पे हमारे 11 की कमेटी हो, गांव लेवल पे हमारे 11 की कमेटी हो और उनके वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो 11 के जरिए स्टेट लेवल तक आ जाए और स्टेट लेवल से भी हमारा उनको साथ लेके कोई पॉलिसी हमारी डिफेंड हो और उस तरह हम वहाँ तक पहुँच पाए, ऐसे हमारा एक काम होना बहुत जरूरी है। तो मेरा टाइम मेरे पास बहुत कम था इसलिए मैं CSR फंडिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे आपको पता है कि आप माइनॉरिटी अफेयर्स पे जाएंगे तो पूरा स्कीम वहाँ पे है, उसके गाइडलाइंस भी है। मेरे पास आपको बताने के लिए टाइम बहुत कम है। वो गाइडलाइंस के जरिए आप देखिए हर शासन निर्णय आप उसमें से निकालिए, उसके जरिए आपको गाइडलाइन मिलेंगे प्राइमरी एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, सेकेंडरी एजुकेशन के, डेवलपमेंट के, उसके बाद इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट के, या आपको वहाँ पे GR मिलेंगे। पर CSR फंडिंग का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, CSR के साथ जुड़ा हुआ अभी लास्ट 2 ईयर से मर्सिडीज बेंज इसके उसके बाद में अलग अलग जो CSR से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। स्टेट की जो सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटी है उनका भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का मैं अभी काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और उद्योग डिपार्टमेंट के साथ भी अभी मेरा काम कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो अलग अलग जगह पर मैं इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट का भी काम कर रहा हूँ। CSR के लिए हमें पहले हमारा पूरा बायोडाटा हमें क्लियर करना पड़ेगा। CSR फंडिंग बहुत ईजीली होता है, वहाँ पर CSR हेड होता है, CSR कमेटी होती है और उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। जैसे खान साहब ने बताया कि ADG 12 उसके बाद में हमारे पास ऐसी कोई केस स्टडी चाहिए जैसे कि गोबरवा पावर का आपने देखा कि कुछ अलग हटके उसने किया था, वो अलग हटके करने के बाद आपके पास बायोडाटा क्लियर हो जाता है। आप प्रपोजल अगर वो लेके जाते हो आप ADG उसके साथ जोड़ देते हो। तो मैं मेरे जानकारी के हिसाब से मैं 2 साल से उसमें काम कर रहा, ऐसी कोई NGO फेल नहीं हुई कि उसके पास CSR फंडिंग नहीं आया। तो ऐसा इनिशिएटिव लिए आप पहले काम करके दिखाओ, ADG अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने पास स्ट्रॉन्ग रखो और 3 साल का ऑडिट जो खान साहब ने बताया वो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको आगे जाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और 2 प्रकार के आपके पास फंडिंग आएंगे, एक तो अपना खुद का अल्पसंख्यक विकास विभाग है। लोग क्या सोचते हैं कि बस अल्पसंख्यक विकास विभाग की योजना हासिल कर सकते हैं या हमारे कम्युनिटी के लिए अल्पसंख्यक विकास विभाग है, बस इतना ही। पर जनरल सेक्टर में आप जाएंगे एक डोमेन सेक्टर होता है जो अल्पसंख्यक विकास विभाग की योजना में हम वो ले सकते हैं और एक जनरल सेक्टर होता है जैसे कि उद्योग डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास है, ग्राम विकास है, नागरिक विकास है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। स्टेट और सेंट्रल की जो स्कीम है वो भी हम इसमें हासिल कर सकते हैं, इतना मुझे कहना था।